ग्लास्गो कप 26 रु विश्वकु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचामृत मंत्र विकासशील देश जलवायु परिवर्तन जोगु संघर्ष करुछंती मंत्र जलवायु परिवर्तन रोकिबा दिगरे बड़ पदक्षेप हेबो बोली कहिछंती मोदी। प्रथम भारत 2030 सुधा जीवाश्म नथिबा शक्ति क्षमता को 500 गीगावाट को आनिबो। द्वितीय 2030 सुधा भारत अक्षय शक्ति माध्यम 50% शक्ति आवश्यकता पूरण करिब। तृतीय वर्तमान ठारु 2030 पर्यंत नीट प्रोजेक्ट कार्बन निर्गमन को 1 बिलियन टन ह्रास करिब। चतुर्थ 2030 सुधा भारत एहार अर्थनीतिर अंगारकामलर तीव्रता को 45% रु अधिक ह्रास करिब। ओ पंचमरे 2070 सुधा भारत नेट शून्य लक्ष्य हासिल करिब बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, सम गच्छ द्वम समद्व द्वम सम्वो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छ द्वम यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और सम्वो मनानसि जानताम यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है, और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटीमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते आमर अभावी नागरिक मैंने नलरु जल स्वच्छ भारत मिशन उज्ज्वला भली योजनारु सुविधा पाई नागरिकों जीवन धारण में उन्नति आसी अनेक पारंपरिक संप्रदायर प्रकृति सहित सुसंपर्क बंचीबर ज्ञान आम पाखरे अच्छी विद्यालय पाठ्यक्रम में अंतर्भुक्त करा उचित बोली प्रधानमंत्री कहते। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।